में प्रलय या विनाश शब्द का जिक्र लगभग हर धर्म के ग्रंथों में मिलता है। प्रलय, विनाश, ये दो शब्द फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं, जैसे जैसे 29 अप्रैल की तारीख नज़दीक आती जा रही है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे 29 अप्रैल को आने वाले महाप्रलय और विनाश की भविष्यवाणी के अलावा किस धर्म में प्रलय की घोषणा किस प्रकार से की गई है। हिंदू धर्म के सभी पुराणों में काल को चार युगों में बांटा गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब चार युग पूरे होते हैं तो प्रलय आता है। इस समय ब्रह्मा सो जाते हैं और जब जागते हैं तो संसार का पुनः निर्माण करते हैं, युग का आरंभ होता है। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत, इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। कुरान में कयामत के दिन का जिक्र है। कुरान में लिखा है, कयामत का दिन कौन सा होगा इसकी जानकारी केवल अल्लाह को है। इसमें भी जल प्रलय का उल्लेख है। हदीस में जिक्र है कि जब कयामत आएगी तो सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम से निकलेगा और आधा निकलने के बाद वो फिर पूर्व से निकलेगा। बाइबल में भी प्रलय का उल्लेख है। जब ईश्वर नोहा से कहते हैं कि महाप्रलय आने वाला है, तुम एक बड़ी नौका तैयार करो, इसमें अपने परिवार सभी जाति के दो दो जीवों को लेकर बैठ जाओ, सारी धरती जलमग्न होने वाली है। नास्त्रेस तेमस की भविष्यवाणी, इसमें प्रलय के बारे में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है, मैं देख रहा हूँ कि एक आग का गला पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जो धरती से मानव के काल का निर्माण बनेगा। एक आग का गोला समुद्र में गिरेगा और पुरानी सभ्यता के सारे देश तबाह हो जाएंगे। केवल धर्म ग्रंथों में नहीं बल्कि देश में वैज्ञानिक भी प्रलय की अवधारणा को सही मानते हैं। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने घोषणा की है, साल 2036 को पृथ्वी का प्रलय हो सकता है। खैर, आपको बता दें, इस तरह की भविष्यवाणियां समय समय पर होती हैं, लेकिन अंत में ये कैसे भूला जा सकता है, कल किसी ने नहीं देखा।